गाजर का हलवा और गाजर की मिठाई तो आपने कई बार ट्राई करी होगी, तो चलिए आज कुछ गाजर से नया बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के पराठे की बिल्कुल आसान सी रेसिपी। इसे आप आराम से स्टोर कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए, सफ़र में भी ले जा सकते हैं और बनाने में इजी तो ये है ही। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गाजर और इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसको ग्रेट करते समय आप ध्यान रखिएगा बारीक वाले ही ग्रेटर से इसे ग्रेट करिएगा। और साथ में ही मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट किया हुआ है सेम ग्रेटर से। अदरक को यहाँ पर ग्रेट करके ही लें, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अब इसको मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया है और साथ ही इसमें अदरक भी डाल दी है। अब 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके बेक कर सकते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच सूजी और 4 बड़े चम्मच बेसन, इन दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। और फिर इसमें ऐड कर दिया है 1.5 कप आटा, रेगुलर जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने इसमें यूज़ किया है। और इसमें डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। अभी इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको पहले हमें ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको ढक करके हमें 10 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि गाजर में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो नमक के कांटेक्ट में आके ये काफ़ी ज़्यादा अपना पानी रिलीज़ करेंगी। तो बस उसी पानी से हमें इस आटे को लगा लेना है। इनकेस अगर ना आपका आटा डो के फॉर्म में तैयार हो तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं, या अगर आपका बैटर ज़्यादा रनी हो जाए तो 1-2 चम्मच आप आटा या बेसन डाल सकते हैं। अब ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से गूंथ करके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं डो बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर दिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो जितना बड़ा हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई ले लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसमें से गोल पराठा, ट्रायंगल पराठा जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। ये इजीली रोल हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है रोल करने में। तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़े मेरे बन चुके हैं। तो अब मैंने इसको सूखे आटे में डस्ट कर लिया है, एक्स्ट्रा आटा इसका ऐसे हटा दिया है और इसके बाद हम इसका पराठा रोल कर लेंगे। तो मैंने सिंपल गोल पराठा बनाया है, आप चाहें तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 1 पराठा बनकर के तैयार हो गया है और इसकी आप थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज़ की रखिएगा। और ये 1 पराठा हमारा बन चुका है। इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसको सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इसको हमें धीमी आँच में बिल्कुल नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पर इसको हमें सेकना है और घी बटर जो आप लगाना चाहें उससे आप इसे लगा करके दोनों साइड से हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेक लीजिए। इस पराठे को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं ये पराठे। अगर आप जर्नी के लिए ले जा रहे हैं तो भी आप इसको ले जा सकते हैं, ये इसी तरह सॉफ्ट बने रहेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये आराम से 1 हफ्ते तक चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा 1 पराठा बन चुका है, अच्छे से दोनों तरफ से ये सिक चुका है। इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देखिए ये कितना सॉफ्ट है पराठा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप इस हेल्दी टेस्टी गाजर के पराठे की रेसिपी को। और अगर वीडियो किसी भी स्टेज में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।